कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य प्रेम त्याग प्रतिशोध युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में, कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्म युग। जय श्री राम दोस्तों। मित्रों, आजकल फेक यूट्यूबर्स या आप कह सकते हो कुछ पागल लोगों द्वारा काफी मिसकंसेप्शन फैला दी गई है। लोग उनको सच भी मानने लगे, क्योंकि लोग जैसा सुनते हैं वैसा ही समझते हैं, वो भी बिना किसी प्रूफ के वो लोग उनकी बातों को सच मान लेते हैं। दोस्तों, कुछ अंधभक्त लोग हैं जैसे कि ओम गणपति वे ऑल टाइम अपडेट अपनी फेक वीडियो में बोलते हैं कि अर्जुन ने 14वें दिन 7 अक्षौणी सेना मारी और कुल मिलाकर 10 से ज्यादा अक्षौणी सेना मारी थी। और कुछ लोग तो इनसे भी ज्यादा पागल हो गए, वह बोलते हैं कि अर्जुन ने कुल मिलाकर 14 अक्षौणी सेना मारी। सबसे पहले तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि पागलपंथी की मित्रों कोई हद होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसका कारण सुनिए। कौरव के पास कुल मिलाकर 11 अक्षौणी सेना थी, जिसमें से 2 अक्षौणी सेना को घटोत्कच मार देते, एक को वो मारते और एक अक्षौणी सेना उनके नीचे दबने से मर जाती। 2 अक्षौणी सेना का संहार भीम कर देते तथा 1 अक्षौणी सेना को अभिमन्यु समाप्त कर देते। इन तीनों के मिलाकर 5 अक्षौणी सेना हो जाती। अब कौरव के पास बचती 6 अक्षौणी सेना, और 6 अक्षौणी सेना से लड़ने के लिए जो पांडव सेना थे उनके पास अर्जुन, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, वह उनके साथ आई वाई 7 अक्षौणी सेना भी होती है। तो इन सभी ने उन 6 अक्षौणी सेना का संहार किया। तो मित्रों, हम ये कह सकते कि अर्जुन ने इन 6 अक्षौणी सेना में से आधी या उससे ज्यादा का संहार कर दिया होगा। तो अभी मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन ने ज्यादा ज्यादा 3 से 4 अक्षौणी सेना को ही मारा होगा, उससे ज्यादा हमको नहीं दिखाई देता। मित्रों, बोली क्रिटिकल एडिशन के अनुसार जहां पर भी कौरव सेना का वर्णन होता है वहां पर उनकी संख्या 11 अक्षौणी सेना बताई जाती है। तो मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन ने 4 अक्षौणी सेना से ज्यादा नहीं मारी होगी। मित्रों, एक तरीका है जिससे हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन ने शायद 10 अक्षौणी सेना मार दी होगी। उन्होंने 4 अक्षौणी सेना तो कौरव की मारी, और बाकी की जो 6 से 7 अक्षौणी सेना थी वो उन्होंने अपनी खुद की ही सेना मार दी होगी, क्योंकि इसके अतिरिक्त हमें कोई अन्य ऐसा तरीका नहीं दिखता जिससे अर्जुन 10 अक्षौणी सेना से ज्यादा मार सकते थे। मित्रों, हमारी समझ में आज तक यह नहीं आया कि अर्जुन ने 11 अक्षौणी सेना जो कि कौरव की कुल संख्या थी उसमें से 10 से 14 अक्षौणी सेना कैसे मार दी। और कुछ विद्वान लोग जैसे कि ओम गणपति जैसे भी ऐसी वीडियो बना देते और लोग उनको पसंद भी करते हैं, जबकि वो कोई प्रमाण या कोई आधार तक भी नहीं बताते। अब हम बात करते हैं कि महारथी कर्ण ने पांडवों को कितनी सेना मारी। तो अपने 7 दिन के युद्ध में अजय पराक्रम दिखाते हुए भार्गवा वे अपनी वाणों की वर्षा से कर्ण पांडव सेना की 2 अक्षौणी सेना को मार देते, जिसमें से 1 अक्षौणी सेना तो अर्जुन को देखते देखते भार्गवा से उनकी नजरों के सामने ही मार देते। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अर्जुन ने 18 दिन में 3 से 4 अक्षौणी सेना मारी, वहीं कर्ण ने महज 7 दिनों में 2 से भी ज्यादा अक्षौणी सेना मारी। अगर दोनों का आंकड़ा देखा जाए तो कर्ण का पराक्रम अर्जुन से कहीं अधिक था। तो मित्रों, बस मैं आपसे अब यही कहना चाहता हूँ कि जब तक ये ऐसे फेक यूट्यूबर्स कोई सटीक प्रमाण ना दे तो आप इनकी वीडियो पर विश्वास न कीजिए, क्योंकि इनकी वीडियो में आधे से ज़्यादा फॉल्ट है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। हमने आपको अपनी अनसंग वॉरियर सीरीज में बताया कि सात्यकी कितनी युद्ध हारे थे, मतलब भूरिसर्वा से हारे, कर्ण से हारे, अश्वत्थामा से हारे, पर इनके अनुसार केवल कर्ण से हारे। तो ये वहाँ पर भी इनके फॉल्ट पकड़े जा चुके हैं और ये बिना प्रूफ के वीडियो बना देते। तो मित्रों, हमने इसीलिए ये वीडियो भी लेके आया आपके लिए, और ऐसे ही मिसकंसेप्शन से भरी हुई काफ़ी सारी वीडियो लाएंगे, क्योंकि हमारी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट हैं जिन पर हमारी नज़रें हैं, तो उनको भी हम लाने वाले हैं। तो मित्रों, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम।